जॉन एवरेट यूथ को जो बात कर रहे हैं तो जो दोस्ताना भी थी फर्स्ट टाइम है अभी हाँ आने वाले टाइम में काफी काफी अच्छा हो जाएगा मतलब इसको बीट करना इतना इजी नहीं होगा। क्या बात, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था बहुत तगड़े जेनेटिक्स है, लगे रहने का गेम में मेहनत करी तो गुड़गांव में ये बीट नहीं होगा 3-4 साल में। गाइस वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टीजी टॉक्स और आज मैं आ गया हूँ गुड़गांव में आपको एक और एथलीट से मिलाने। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, उनके मैच उनके जिम में और साथ ही में उनका घर है तो दोनों से मिलेंगे, घर भी देखेंगे जिम भी देखेंगे और वो लड़के बहुत ज़्यादा तैयार कर आओ इतनी तेज दरवाज़ा मारा ओहो मतलब ढलान में नहीं मुझसे नाराज़ नहीं है तो उनसे मिलेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे जिम से लेके वर्कआउट कैसे आप वर्कआउट कर सकते हो, बहुत ही मज़ा आने वाला है इसको। और ऐसे आपको पता है भाई मैं शूज़ तो पहनता ही नहीं हूँ, गाड़ी चलाते हुए पहनते और चलते हैं तो बढ़िया। अरे भाई इसकी क्या जरूरत है यार, क्या करता है। तो गाइस ये हमारे आशीष भाई, देख रहे हो आप भाई, अपने बारे में बताओ तो सही सबको यार। भैया से दूसरी बार मुलाकात हो रही है आज, पहली बार सितंबर में मिले थे भैया से, काफी अच्छा लगा था और उनके मिलने के बाद में काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला था मेरे को, थैंक्स टू तरुण भाई। आज फिर इनसे मुलाकात हो रही है, बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ मैं इस चीज को। अब क्योंकि हमने वो करा था फेसबुक के लिए राइट, हाँ जी। आज हम करेंगे यूट्यूब के लिए स्पेशली की जिसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इनका घर, इनका लाइफ स्टाइल और कितने कैसे लड़कों को तैयार करते हैं जिम से लेके सब कुछ। बहुत मजा आ रहा है, लड़के तैयार है काफी। हाँ जी बिल्कुल, लड़के की कंडीशन भी कैसी है, कैसे वर्कआउट करते हैं, बहुत मजा आने वाला है, लेट्स गो। तो मैं इसको रख दूँ यहाँ गाड़ी में भाई, गाड़ी में रख देते हैं और हम भाई से थैंक यू फॉर दिस भाई। तो ये आशीष के फादर हैं, पिछली बार मिले थे। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आप बताइए। देखिए बिल्कुल फिट हैं, जैसे कहते हैं ना आशीष जैसे फिट रहते हैं वैसे हमारे सर भी फिट रहते हैं उनके। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। कहाँ की तैयारी हो रही है? गेस्ट हाउस जा रहे हैं सर, का गेस्ट हाउस भी है, तैयारी में लगे हुए सर। आप चलिए हम मिलेंगे आपको। ओके थैंक यू। तो देख रहे हो तो भाई के जिम का नाम है रीफिट, आपने दिखा दिया होगा राइट, इसमें इनका टेलीफोन नंबर भी है तो अगर आपको भी फिट होना है, रिप्ड होना है, कंपटीशन खेलना है तो सारे नंबर यहाँ पे मैं डाल भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आइए चलते हैं। तो भाई कितने लड़के तैयार हो गए? अब लड़के तो 7-8 हैं पर अभी फिलहाल 3 गर्ल एंड कल जो तैयार है ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन। तो तैयारी में चल रही है सारी, इनकी तैयारी चल रही है भाई कहीं की सबकी? हाँ जी बिल्कुल। देखो भाई सबके गेम खेलेंगे सारे, हाँ। वेट कर रहे हैं IBBF की डेट आने का, हाँ। स्टेट लेवल के भी डेट नहीं आई है, नेशनल की आ गई तो उसी का वेट कर रहे हैं। बात है, देख रहे भाई तो डेट आ गई है नेशनल की, तो नेशनल की आई है, स्टेट नहीं आई, स्टेट की नहीं आई। IBBF है? हाँ जी IBBF। देख रहे भाई दूसरे, देखो उन्होंने निकाल लिया उन्होंने अपना नीचे वाला भी लोअर भी, देखिए भाई की कंडीशन देखो आप। ये भी उतारेगा, फोन भी देखना पड़ता है साथ साथ राइट, आप लोग के मैसेजेस इतने होते हैं। तो भाई अब किस कैसे तैयारी चल रही है इनकी, कैसे करा कैसे रहेगा? अच्छी चल रही है अभी इनकी तो, वेट डेट का वेट कर रहे हैं, उसके बाद फिर चीजों को हम चेंज करेंगे, डाइट को चेंज करेंगे, ट्रेनिंग को थोड़ा चेंज करेंगे। अभी कैसे ट्रेनिंग करा रहे हो? इधर आ जाओ भाई साहब, सारे इधर आ जाओ आप। कैसे भाई इसकी तैयारी चल रही है? ओहो हो गया भाई, हो गया थोड़ी नहीं रहा भाई, तुम्हारा ऐसे ही लगा हुआ है, कैसे कर रहे थे भाई? ये क्यों दिखाओ दिखाओ, ये कितने साल का नाम तो बताओ? 21 यस, नाम कुणाल भारद्वाज, फ्रॉम रेवाड़ी, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। यार भाई आशीष भाई ये इसके एक्ने क्यों रखी है इतने में? इसको पहले से ही है, पहले जैसे पास आया ना तो उसके बाद इसको थोड़ा ठीक किया है, काफी ठीक हो गया अब तो। ले पहले किसी कोच के पास करता था तो उसको पता नहीं क्या कुछ इसको चलवाया, क्या करवा दिया भाई, ऐसा क्या हो गया? जैसे मिस गाइडेंस बीच में उन्होंने मुझे कर दिया था, तो ओवर जो हम यूज करते हैं कोई भी चीजें, तो डाइटिंग भी जैसे काफी ज्यादा ओवरडोज पे काफी ओवर था, तो उसके मुझे अभी तो मैं काफी ठीक हो गया हूं, जैसे सर के पास आया तो बहुत, अभी तो बहुत फर्क है और 1-2 महीने में बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगा। 4 महीने के आसपास हुआ मेरे पास। अच्छा पीछे घूमना, ये देखो गाइस ये हो जाती है आपको एक्ने जब आप कलर गाइडेंस में करते हो काम, अगर आप अच्छी गाइडेंस में करोगे तो भाई सब सही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई? काफी हो गया आप तो, बहुत इंप्रूव कर गया आप तो। जब तब इसको काफी ज्यादा, आप देखो ना कितना मार्क्स चला गया उस टाइम, तो बहुत ज्यादा इसको मतलब कि पूरा एक ऐसा लग रहा था। लोग बोलते हैं कि ज्यादा पानी पीने से चला जाएगा या ऐसा कुछ है, वो पानी पीने से नहीं जाएगा, वो आपके वो जाएगा, आप अपने साइकिल को बंद कीजिए और स्किन का जो डॉक्टर है आप उसके पास जाइए, वो सबसे बेस्ट आपको सलाह देगा इसके लिए। इनके लिए क्या कर रहा है, इसको हटाने के लिए
लिया, आपने क्या करा? इसकी मैंने जो साइकिल थी बिल्कुल साइकिल बंद करा के इसको नेचुरल कराया, उसके बाद में इसका अपने आप ही नॉर्मल हो गया। तो आपको लगता है अब्यूज से होता है एनाबॉलिक अब्यूज? एनाबॉलिक जितना आप अब्यूज करेंगे, प्लस डोसेज क्या होता है, किसी की बॉडी ना सेंसिटिव होती है किसी भी ड्रग्स पे, ट्रेनबोलन हो गया या कोई और हो गया, तो बॉडी एकदम से उस पर रिएक्ट करती है किसी किसी की बॉडी। अभी तरुण मेरे पास 6 महीने से कर रहा है, उसकी बॉडी देखो आपको कहीं भी पूरी बॉडी पे मार्क्स नहीं दिखेगा। उसका रीजन है कि पूरा प्रॉपर एक तरीके से ब्लड वर्क के साथ में किया जाता है। फील्ड से जो होते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो थोड़े ज्यादा प्राइवेट होते हैं, उनको प्रॉब्लम्स की थोड़े आसार ज्यादा होते हैं। जैसे इन्होंने बताया गलत गाइडेंस हो जाती है, कुछ हो जाती है। इनका नंबर डालूंगा, उनसे बात जरूर करेगा। ये देखो हमारे एक और 21 साल के लड़के, अरे खुश भी हो रहा है, कितना खुश हो रहा है, स्माइल है। क्या करते हो भाई? नाम बता। पढ़ाई करता हूं विकास। भाई साहब क्या नाम है? विकास नाम है। कहां से विकास भाई? नरेला, नरेला। ये तुम्हारी जो बाली है थोड़ी अलग किस्म से क्यों पहन रखी है? घर वालों ने पहने थे बचपन से ही। सर बचपन से? हाँ। ऐसा कोई मतलब कोई महत्व? हाँ। होता है इसकी कोई क्या मतलब? मैं 3 बहनों के बाद हुआ था इसलिए घर वालों ने पहना दी थी। लाडला है घर का, लाडला। दूसरे भी दिखाओ, दोनों जगह पहन रखी है भाई। अच्छा बढ़िया। तो एक बात बताओ, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो? बॉडी बिल्डिंग अभी से शुरुआत की, 1 साल। पहले क्या करते हैं? पहले काम है अपना जी, मूंगफली का काम है। मूंगफली बेचते हो? क्या करते हो? भूनता हूँ जी। मूंगफली भूनते हो कहाँ पे? नरेला में। और फिर क्या? फिर एक्सरसाइज। नहीं मतलब काम के बारे में बताओ, काम किसे करते हो, क्या करते हो, काम क्या रहता है तुम्हारा? मूंगफली भूनते हैं, जैसे होती है मशीन पूरी बड़ी, उसमें 200 किलो या 50 किलो की 70 किलो की बोरी उसमें डालते हैं, फिर नीचे आग जलाते हैं बरादे से, लकड़ी का जो बारूदा होता है। तुम भूनते हो? हाँ। फिर भूनने के बाद फिर उसको बेचते हो? दुकान पे। हाँ। पे दुकान भी अपनी? हाँ, दुकान भी अपनी। अच्छा तो मूंगफली बेचने का काम है, दुकान। हाँ। है तुम्हारी मूंगफली? हाँ। बेचने है भाई। देखो यार अगर आपको मूंगफली चाहिए, नहीं इनका नंबर नहीं डालूंगा, इनसे बात करना ठीक है ना भाई? अच्छा तो कितने सालों से मतलब ये फादर का काम है तुम्हारे फैमिली का? फादर का काम। भाई के दांत देखो क्या मोतियों जैसे चमक रहे हैं भाई, डाबर दाल 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 बनकर यूज करते हैं। ये देखो यार चमकते हुए दांत है भाई, आपको तो लाइट की जरूरत ही नहीं भाई, लाइट बंद कर देंगे आपके तो दांत चमकेंगे। चमकते नहीं चमकते भाई? आप वही लग रहे हैं। अरे यार देखो क्या चमकते हैं भाई के दांत, क्या करते हो दांतों के लिए भाई? कुछ भी नहीं सर, कोलगेट और सेंसोडाइन। सेंसोडाइन? टूथपेस्ट में नमक है आपके? नहीं। देख रहे हो भाई टूथपेस्ट में नमक नहीं, दांत देखो इनके, देखो भाई देखो क्या बात है भाई, आपकी बाली ने और आपके दांतों ने दिल जीत लिया हमारा भाई। तो लाइफ में क्या करना चाहते भाई साहब? सर ज्यादा बनना चाहते हैं, सर ज्यादा। अच्छा तो बोल देखो हमारे भाई साहब, नजर भाई साहब। भाई अब इनकी स्किन एकदम फ्लॉलेस है, इनका क्या रीजन है? आपके साथ तैयारी कर रहे हैं काफी टाइम? हाँ ये काफी टाइम हो गया। ये जैसे अभी विक्की भी अभी 3 महीने हुए, विक्की को भी 4 महीने अपने कुणाल को हुए हैं, और ये तरुण मेरे पास 6 अगस्त से ही लगा हुआ, जैसे लॉकडाउन के बाद जिम खुले ना, तो इसको बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक से अभी एक इसका मैं आपको फोटो भी दूंगा, तो ये मतलब काफी वो था, फैट था इसकी बॉडी। हमने सबसे पहले फैट को कम किया बॉडी से, फिर इसको दोबारा मैंने गेन कराया, अब इसको कॉम्पिटिशन के लिए दोबारा स्टार्ट किया। लाइफ में अभी पहली बार स्टेज पे चढ़ेगा, मतलब ड्रीम था इसका, मेहनत कर रहा था, पर वही है कि अच्छी गाइडेंस की वजह से लैक कर रहा था, इसको गाइडेंस नहीं थी। वही अब कोचिज को आजकल क्या है कि एक तो गेम को इतना कॉस्टली बना दिया, चीजों को महंगा महंगा दे के लोगों को, लड़के मतलब 3 साल से वो लड़का ट्राई कर रहा है पर वो अभी तक गेम नहीं खेल पाया, अब इसका फर्स्ट टाइम होगा। इसने मेरे को आके एक चीज बोली थी कि भैया इस बार लास्ट है, अगर इस बार भी मैं अगर वो नहीं हुआ तो मैं गेम ही छोड़ दूंगा, मैं खेलूंगा ही नहीं। क्या करना चाह रहे हो भाई लाइफ? बॉडी बिल्डिंग करनी है, खेलना है आगे तक, मिस्टर इंडिया बनना है। पहले नहीं खेल पा रहे? पहले खेल नहीं पा, वही अच्छा कोई कोच मिला नहीं, सब मतलब पहले ये सब कमाने की सोचते हैं सबसे पहले ना, कि ये ले ले, शुरुआत में जाती ये ले ले वो ले ले, वही था। फिर मन से नहीं मानता क्योंकि उम्र थी नहीं, मैं वीडियोस वगैरह भी देखता था कि ये इस उम्र में लेना नहीं चाहिए, बट सजेस्ट करते थे कि इसके लिए चाहिए ये है वो है, डाइटिंग कोई बताता नहीं था, वो दूर से मतलब बता देते ये वर्कआउट कर ले ये वर्कआउट कर ले, ऐसा होता था। 3 साल ऐसे ही गुजार दिए, उसके बाद फिर मैंने देखा आपकी वीडियो भी देखी थी मैंने, नितिन चंडीला वाली, कि भाई गुरु तो चाहिए चाहिए कोई, तो फिर मैंने गुड़गांव में देखा, भाई का नाम सुना, भाई के पास फिर मैंने बात करी लॉकडाउन में तो जिम बंद थी, फिर भाई के पास मैं लॉकडाउन के बाद आया, हम बात करी, फिर मैंने भाई से कहा ऐसे ऐसे मैं 3 साल से करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो भाई ने फिर मेरे से ये कहा स्टार्ट कर दो कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करी। क्या कैसे, पहले कितना वजन था, कितना वजन? मेरा था पहले 88 वजन पहुंच गया था लॉकडाउन, तो उसके बाद फिर मेरा 67 पे आया था, फिर दोबारा हमने गेन करा, दोबारा हम आए 78 पे आ गए थे, 76-78 पे, फिर अब दोबारा कंपटीशन की तैयारी पे। तो IPA भी हो रहा है यार, इंडियन फिजिकल अलायंस, पर अब ये है कि IBBF के एथलीट बाहर नहीं खेल सकते। हाँ, उनको तो बैन हो जाता है ना। अच्छा, तो खाली ओनली IBBF खेलना है। अमेरिका से अप्रैल में होने वाला है वो, अप्रैल में या तो मार्च के एंड में स्टेट लेवल स्टेट आएगा या फिर अप्रैल के शुरू में, तो उसके तब वही गेम कर पाएंगे। मैंने भी अपनी लाइफ में IBBF के अलावा कोई गेम नहीं खेला, किया 2 गेम खेलता था वो भी IBBF से। हाँ ये बात भी सही है यार, आपको एक कंपटीशन खेलना चाहिए, उसकी पूरी दबा के तैयारी करनी चाहिए। तो भाई इधर एक बार दोबारा पोजिंग करके तो देखो इनके भाई, देखो एक बात बताओ यार आशीष भाई, ये जो बॉडी बिल्डर है ये
ये क्या करता रहता है जब भी देखा ना ये होता है एक तो सबका ना जैसे लेग्स फ्लैक्स करने का तरीका अलग होता है। किसी की लेग्स ना ऐसे करके फ्लैक्स हो जाती है, लेग्स को स्ट्रेट करके टोज को, किसी की लेग्स ऐसे करके फ्लैक्स होती है। तो जब वो ऐसे करते हैं ना तो फ्लैक्स कर पाता है इजीली उसको, मसल से एकदम पूरा उसमें अपना फ्लैक्स। जब भी बॉडी बिल्डर से मिलता था जब मैं बोलता था फ्लैक्स करने के लिए वो यूं कर देते थे, यूं नॉर्मल खड़े हुए भी ना तब भी यूं ऐसे होता ना नॉर्मल खड़े फ्लैक्स करने के लिए। अभी 70% रेडी है, 30% अभी रहता है, तो वो वेट कर रहे हैं कि डेट कब तक आएगी, फिनिशिंग देनी है आपने। हाँ, वो लास्ट में एकदम वेट कर रहे हैं कि जैसे ही आएगी तो पूरा एकदम रेडी हो जाएगा। बैक पोज काफ़ी अच्छा है, बैक देखो इसकी बैक काफ़ी वीक थी, बहुत मेहनत, क्योंकि मैंने देखा है कि लड़के ग्लूट्स में काफ़ी लैग करते हैं। ग्लूट्स मतलब बट मतलब बैक डबल बाइसेप्स पोज करते हैं तो अपर तो अच्छा होता है पर वो यहाँ लैग करते हैं, ये प्लेन आता है पीछे। ग्लूट्स दिखाओ भाई, तो वो मेरे को मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, बहुत तगड़े जेनेटिक्स है, बस लगे रहने का गेम है, मेहनत करी तो गुड़गांव में ये बीट नहीं होगा 3-4 साल में। देख रहे हैं बट नाम तरुण है ना तो समझ सकता हूँ। हमारे आशीष भाई के बेटे, क्या नाम है भाई? यथार्थ। बहुत तेज बोलता है यथार्थ, क्या करते हैं? मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब के लिए, पढ़ाई चलती है स्कूल में। यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता है, किस चीज़ के? कॉमेडी वीडियो बनाता है, जो मैं बना सकता हूँ, व्लॉग कॉमेडी मिक्सअप। तो मेरे क्वेश्चंस थे, हाउ डू यू मैनेज योर एडिटिंग योर वीडियोस? अच्छा भाई ने मेरे से सवाल लेके आया हुआ, मेरे से देख रहे हो भाई पूरा तैयारी में आया। अच्छा क्या पहला क्वेश्चन क्या है? हिंदी में बोलते हैं कि मैं एडिट कैसे करता हूँ वीडियोस को, है ना? तो हमारे पास तो वैसे अब तो टीम है दोनों, मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो ये दोनों पीछे तुम देख रहे हो ना, ये भी एडिट कर लेते हैं हमारे, ये भी भाई साहब एडिट कर लेते हैं। बट क्या करते हैं हम एडिट के लिए, कौन सा सॉफ्टवेयर? प्रीमियर प्रो। तुम किस पे करते हो, फोन पे? मैं इन शॉर्ट अभी छोटा सा ही है। हाउ डू यू फील व्हेन एनी सब्सक्राइबर मीट्स यू इन वे और एट एनी प्लेस? अच्छा, अगर आपको कोई सब्सक्राइबर मिलता है आप कहीं जा रहे हो तो आपको कैसा लगता है? अरे यार अच्छा लगता है कि उनका लड़कों का प्यार है भाई, तो पूरी तैयारी के साथ आया हमारा लड़का तो है भाई। अरे अच्छा ही लगता है यार, आपको लगता है कि आपने किसी लाइफ में, किसी की लाइफ में एक इम्पैक्ट करा, उनको अच्छा फील करा, तभी वो आपके पास आता है और बोलता है सर आपसे फोटो खींचानी, अच्छा लगता है भाई। यथार्थ और नेक्स्ट है, हाउ डू यू फील दैट यू हैव मेनी फैंस इंक्लूडिंग मी? अच्छा क्या बात है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यथार्थ भी फैन निकला है तो। देखो यार बहुत अच्छा लगता है यथार्थ, दिस इज अ वेरी गुड फीलिंग। लेकिन पता है क्या, फैन से ज्यादा ना वो फैमिली हो जाती है। आप जो भी कॉन्टेंट बनाते हो, कुछ भी करते हो ना, उनसे कनेक्ट करो, उनकी तरह बात करो। तुम फैंस नहीं, वो तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे दोस्त है। तो इसी तरीके से वीडियो बनाना। और भी सवाल है? अच्छा एक और, हु वाज द एथलीट दैट इम्प्रेस्ड यू द मोस्ट इन लव? अच्छा मुझसे पूछ रहा है कौन सा एथलीट है भाई, आपने तो बनवाया क्वेश्चन, आपने बनाया भाई ये तो सवाल मुझसे किसी ने नहीं पूछा यार, तू लड़ाई करवाएगा मेरे सबसे भाई। जैसे एक्चुअली ना सब एथलीट अलग अलग हो, सबकी अलग अलग नेचर होती है। जैसे उंगली है ना 5, अब मैं पूछू तेरी फेवरेट उंगली कौन सी है इसमें से, तू तो बोलेगा ये वाली नहीं है, ठीक है ना, सारी उंगलियां फेवरेट होती है राइट। तो ऐसा कुछ है नहीं, सारी मेरे को अच्छे लगते। फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ डिड यू थिंक ऑफ कीपिंग योर चैनल नेम टीजी टॉक्स? अच्छा भाई ये तो पूरी तैयारी है, मुझे अच्छा लगा ये सवाल। अच्छा तो यार क्या है ना, मैं बहुत देखता था YouTube, टीजी टॉक्स का आइडिया मुझे कहाँ से आया, हमारी जो मैडम है ना, मैडम हमारी जो वाइफ है, तो इन्होंने कहा यार कि तुम जो इतना काम करते हो तो एक इसका ब्रांड होना बहुत ज़रूरी, इसका नाम होना बहुत ज़रूरी है, और वो ब्रांड ऐसा रहे कि मेरे नाम से, जैसे तुम लिखते हो ना, जैसे तुम्हारा अच्छा नाम है चैनल का गेम वन करके, राइट? गेमर क्या, प्लेयर वन, प्लेयर। अब प्लेयर कोई भी हो सकता है यथार्थ के अलावा, राइट? तो नाम वो होना चाहिए कि अगर आप कल को रहो ना रहो आपके नाम पे नहीं होना चाहिए, एक ऐसा नाम होना चाहिए जो जैसे टेड टॉक्स, टेड किसी का नाम है लेकिन लोगों को पता नहीं है, राइट? समझो, तो तुम्हारे नाम पे नहीं होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि तुम जाओ चाहे तुम रहो ना रहो वर्ल्ड में, लेकिन वो नाम जिंदा रहे। और मैं तो हैरान हो गया, क्वेश्चन का पिटारा लेके आया भाई, मिल गए जवाब, मिल गए नहीं मिल गए? मिल गए। जबरदस्त, गुड यार, गॉड ब्लेस यू भाई। मिलने आए हुए हैं भाई के, भाई नाम बताइए ना अपना। मेरा नाम कशिश है। क्या करती हो कशिश? मैं एक US फर्म के लिए काम करती हूँ। क्या करती हो काम? हमारा कैनबस में डीलिंग है। सो कैनबस को हिंदी में तो बताओ क्या होता है वो? गांजा। गांजा अच्छा हाँ जी।
तो यूएस कंपनी के लिए मैं काम करती हूँ। उनको गांजा सप्लाई करते हैं? नहीं नहीं, हम सप्लाई नहीं करते हैं, हम मेडिकल रीजंस के लिए सप्लाई करते हैं, तो मेडिकल फर्म्स में जाता है जिससे मेडिसिन बनती है। गांजे की मेडिसिन भी होती है? बताओ ना कौन सी मेडिसिन होती है, नहीं जानना चाहेंगे? इंडिया में तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ कैनबिस आउटसाइड इंडिया स्पेशली इन अमेरिका इट्स एब्सोल्युटली लीगल, जो कि पेशेंट्स को दिया जाता है जिनको मसल पेन है, जिनको साइकेट्रिक कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे उन लोगों को दिया जाता है। यहाँ पे हमारे लड़के इतने चालू है ना, वो जैसे देखेंगे ना अरे यार गांजे से क्या मसल पेन ठीक होता है, मैं अभी फूकता हूँ। ये वो वाला मत सोचना कि आप शिमला या कहीं ऐसे चले गए, वहाँ पे आपने उत्तराखंड चले गए वहाँ पे आपने फूकना शुरू कर दिया, चलो भाई हम भी बनाएंगे अभी, ये वो वाला नहीं है, ये दूसरा काम है भाई। तू क्यों सर भाई तू भी काम तो नहीं करता भाई, पूछना जरूरी है, मैंने बैकग्राउंड चेक नहीं कराया इन पे, तो कैसे लीगल काम है। बट तो फिटनेस का कहाँ से आपको कीड़ा जाग गया? भैया फिटनेस का कीड़ा तो बहुत पहले से था, इनफैक्ट मेरी फैमिली में किसी को ऐसा कोई भूत नहीं है एक्सरसाइज करने का, कुछ अच्छी बॉडी नहीं बनी है अभी तक, बट बन जाएगी। तो भाई से कैसे मिली आशीष भाई से? ये आपका वीडियो जब आपने पिछली बार भैया का इंटरव्यू लिया था या भैया का वीडियोस डाले थे, तो मैंने इनकी प्रोफाइल चेक, और एक अच्छे ट्रेनर की जो प्रॉपर गाइड करे उसकी खोज काफी समय से चल रही है, तो मैंने जब भैया की प्रोफाइल देखी आपका वीडियो देखने के बाद, तब मुझे लगा कि नहीं भाई बंदे में दम है, ये मुझे ट्रेन कर लेगा। आपकी खोज खत्म होगी? हाँ जी बिल्कुल, थैंक्स टू यू, वेरी वेरी थैंकफुल। भैया से ट्रेन होना है, तो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल ये था कि मैं बैंगलोर में थी सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग लेने के लिए, आप ऐसा समझ लीजिए, हालांकि वर्क फ्रॉम होम आज भी है, तो मैंने कहा मैं वहाँ हूँ तो यहाँ आऊंगी तो एटलीस्ट कुछ फायदा हो जाए। ऑल द वे मैंने बैंगलोर वाइंड अप किया, मैं दिल्ली आई, दिल्ली में मेरा एक घर है उस पे ना रह के, क्योंकि वो द्वारका है दिल्ली में है, उसको मैंने वाइंड अप उसको भी सॉर्ट ऑफ वाइंड अप करके गुड़गांव शिफ्ट हुई। मेरा घर हाउस हंटिंग की प्रोसेस ये था कि मुझे जिम के बगल में घर चाहिए। चलो यार कुछ तो हमारा सक्सेस हो गया यार, कि हमारे से मिलने आई हैं, मैंगलोर से आई हैं, इनके साथ ट्रेनिंग कर रही हैं। चलो फीस की तो कमीशन दे ही देंगे मुझे, बट बात अलग है, कैमरे पे नहीं बोलूँगा मैं चूँकि, बट किसी पे भरोसा करना और इतना भरोसा करना कि आप लोग तो यार अपना जिम नहीं छोड़ते, नहीं ये तो बैंगलोर छोड़ के दिल्ली आ गई और यहाँ पे सेटल हो गई हैं ताकि इनसे ट्रेनिंग कर सके, बिग थिंग है। तो कैसे हम इनसे पिछली बार मिले थे सितंबर में, 2-3 महीने हो गए, 3 महीने बाद देखो भाई ने क्या हालत कर ली अपनी, ये देखो भाई साहब क्या कर लिया आपने, अरे शीशे में रहने दे मैं देख लो भाई, थोड़ी सी डाइटिंग करिए सर। भाई तो आशीष भाई क्या कराए थे आपने? अभी हम मेंस फिजिक कंपटीशन के लिए प्रेप कर रहे हैं, तो अभी डेट नहीं आई स्टेट की, जैसे हम सारे वेट कर रहे हैं, तो अभी कंडीशन को रोक लिया है, जैसी डेट आएगी तो फिर हम आगे चलेंगे उसके हिसाब से, तो प्रॉपर स्टेज के लिए रेडी हो जाएंगे। 60-70% काम हमने कर लिया भाई, तो मुंह भी ऐसा हो गया भाई का, देखो इतना 14 kg लूज कर लिया हमने, कितने दिनों में? 3 महीने में, 2 मंथ्स में, 2 महीने में, तो महीने में 7 kg सर, 79 भाई। जिम तो हमने देख लिया भाई का, तो हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, तो भाई हमें लेके जा रहे हैं कुछ हेल्दी, देखते हैं क्या होता है भाई, गुड़गांव की मार्केट है, गुड़गांव में रहते हैं भाई, क्या खाने जा रहे हैं भाई, तो देखो कितना हेल्दी खाने में, कुछ लड्डू खाने कहाँ खाने जा रहे हैं भाई? अभी हम सेक्टर 15 चलेंगे, क्या मिलेगा भाई? चिकन डाइट, मोरीबुलर डाइट, हम तो वेजिटेरियन है भाई, वेजिटेरियन के लिए भी कुछ है क्या? हाँ वेजिटेरियन के लिए भी है। चलो अब देखते हैं क्या भाई हमारे खिलाते हैं, आई लेट्स गो नाउ। बाबी क्यू डेस्टिनेशन में, नेशन में डेस्टिनेशन में हमारे आशीष भाई हमें लेके आए हुए हैं यहाँ पे सेक्टर 15 में, तो हम यहाँ करने वाले हैं अपना लंच गाइस, तो सब देख रहे हो सारे बॉडी बिल्डर एक साथ आ गए, दिखाइए अब हम करने वाले लंच क्या खाने वाले हैं वो आपको बताएंगे। मैडम आप खा नहीं रही आज, आप कुछ आज क्या है? करेली रोटी, डाइट फूड मिलता है भाई जिम का, डाइट फूड चाहे वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन, तो मैं डाइट फूड ट्राई कर रहा हूँ, वेज पता लगेगा अभी कैसा है, बस आने वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे कब तक पूरा दिन खुला रहता है भाई? पूरा दिन ओपन, पूरा दिन खुला रहता है भाई, अगर आपको भी खाना है यहाँ आना, आपको अपनी जिम डाइट मिल जाएगी, जिम डाइट होती है अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमारे
भाई साहब यहाँ पे जिन्होंने हमें खाना खिलाया यहाँ पे, भाई नाम तो बताओ अपना। युवराज सिंह नाम है मेरा, युवराज सिंह मान। तो ये हमारा रेस्टोरेंट है बाबिक डेस्टिनेशन सेक्टर 15 पार्ट 2 में है, जो कि गुड़गांव में है। सो इन द मतलब की दोपहर के टाइम में हम लाइक जितने भी मॉर्निंग में भी हम जितने भी जिम वाले वर्कआउट करते हैं उनके लिए हम डाइट प्रोवाइड करते हैं, वेजिटेरियन भी और नॉन वेजिटेरियन दोनों करते हैं। सो दैट इज प्रॉपर जिम बेस्ड डाइट, इसमें आपको लाइक नो एडिंग मतलब कोई सोर्सेज वगैरह एड नहीं होती, लाइक प्रॉपर जो लाइक आपकी प्रोटीन बॉडी को चाहिए होता है वो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है हमारे डाइट। तो आप ये 9 बजे से लेके हम 11 बजे तक प्रोवाइड करते हैं रात तक। बहुत जबरदस्त, तो मैं गाइस ट्राई करना, मैं इनका टेलीफोन नंबर भी डाल दूंगा, एड्रेस डाल दूंगा, अगर ज्यादा होगा तो आप आके ट्राई जरूर करना, बिकॉज जिम वाली डाइट बहुत कम मिलती है। तो गाइस जाते जाते मैं दे रहा हूँ भाई को हमारे मसल एंड स्ट्रेंथ का परफेक्ट प्री वर्कआउट। अब इसके मैं आपको बेनिफिट्स बता देता हूँ, जो भी मैं प्रमोट करता हूँ, जो भी मैं प्रमोट करता हूँ ब्रांड, आई नो देम रियली वेल। और मैं नहीं चाहता कि आप लाइफ में कभी भी कुछ भी ऐसा खाओ जो आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर सके। इस प्री वर्कआउट में आपको कोई क्रैश नहीं मिलेगा, बहुत सॉफ्ट है और बहुत अच्छे किकैस वर्कआउट होंगे। आशीष भाई आप इसको ट्राई करना, आपको भी चाहिए मैं डाल रहा हूँ इसका लिंक अमेजोन का, ट्राई करना। और उसके साथ ढेर सारे मैं दे रहा हूँ आपको सैशेज हैं, इसमें EAA सारा मुझे बताना आपको कैसे लगे इनके प्रोडक्ट्स, सारे देख रहे हैं आप, ट्राई करना। जेन्युइन चीजें खाना यार, गाइस की हेल्थ का मामला है लड़कों के, आपको पता है कितने एक्ने हो रही है, कितनी रिपीट हो रही है, राइट भाई सारे ट्राई करके मुझे बताना। तो आशीष भाई थैंक यू सो मच, आप आए तो मैं आशीष भाई का नंबर भी डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको भी ट्रेनिंग चाहिए आशीष भाई से आप उनसे बात कर सकते हैं, कुछ भी अपने आपको ट्रांसफॉर्म कराना है, कुछ भी कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, बहुत अच्छे कोच है ट्रेनर है, मैं नंबर डालूंगा इनका। जिम भी है, जिम कहाँ पे भाई बताओ आपका? जिम अपना गुड़गांव सेक्टर 46, वहाँ पे आप आना जिम में आना, बात करो आराम से, टेलिंग यू आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। और आई होप आपको एंजॉय करा होगा अपने ब्लॉग, अब मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड।